सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए। आज मैं अपने दर्शकों को एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं जो राजनीति के बहुत पुराने एक ऐसे संघर्षकर्ता एक नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे से लेकर यूपी के दंगों तक अपनी राजनीति के संघर्षों का अपना वजूद दिया है, अपना एक अपना वक्त, अपना भविष्य, अपना एक सोच के साथ, अपने एक विजन के साथ वो चले। आज हम ऐसे ही एक विजन योद्धा से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, सुरेश कुमार जी श्रीवास्तव जी, जो कि विधायक हैं उत्तर प्रदेश से और ये लखनऊ पश्चिम से विधायक हैं। आज हम बात करेंगे सुरेश जी से उनके उस तजुर्बे के बारे में जो कि आवाम बहुत कम जानती है। आज हम बात करेंगे राजनीति के हर उस पहलू की, आज हम बात करेंगे सुरेश जी की कहानी की, आज हम बात करेंगे अटल जी से लेकर योगी तक की कहानी। नमस्कार सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा लाइट ऑफ नेशन में। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को आपकी राजनीति का जो सफर रहा, क्योंकि आपने अटल बिहारी जी से लेकर मोदी तक का दौर आपने देखा, तो मैं चाहूंगा कि इस दौर की कुछ पुरानी यादें आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ बताएं। मैं मूल रूप से अयोध्या का रहने वाला हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। मैं लखनऊ पढ़ने के लिए आया था क्योंकि उस समय फैजाबाद में डिग्री कॉलेज बहुत छोटे स्तर का था और मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। मैं यहाँ पर आया क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत जब मैं एक वर्ष का था तभी हो गया था और अपने परिवार के अंदर खानदान में मैं अकेला था। हमारी माता जी थी और मैं था। माता जी मुझे लेकर के लखनऊ आई, वो अध्यापिका थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर विज्ञान की शिक्षा पूरी की और फिर LLB की। 40 वर्ष तक मैंने वकालत की। क्या बात है। 1996 तक वकालत की और 1996 में जब मैं विधायक बना उसके बाद व्यस्तता के कारण मुझे कोर्ट जाना बंद करना पड़ा। यद्यपि मेरे पास बहुत काफी मुकदमे थे, मैंने अपने जूनियर्स को दे दिए क्योंकि यह संभव नहीं था कि दोनों काम एक साथ किया जा सके। राजनीति में मैं जनसंघ के जमाने से काम कर रहा हूँ और जब लखनऊ आया था क्योंकि मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना संबंध था, लिहाजा यहाँ पर सीधा संबंध मेरा भारतीय जनसंघ से हो गया। और मैंने संगठन में वार्ड मंत्री, वार्ड महामंत्री, वार्ड अध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, नगर मंत्री, नगर महामंत्री, नगर उपाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष 91 तक मैंने। और उसी समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और उसी से कुछ दिन बाद कश्मीर यात्रा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में चली। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, ये 1949 की बात है कि जब रामलला का प्रकट होना, बताते हैं लोग, मैं छोटा था लेकिन मैं अयोध्या में रहता था और उस समय वहां के सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम वहां पर के नैयर, करुणा कृष्ण कुमार नैयर साहब थे। क्या बात, यानी अभी तक आपको नाम याद है। हमें सब पर नाम याद है। और उस समय उन्होंने, उनके ही जमाने में ठाकुर गुरदत्त सिंह सिटी मजिस्ट्रेट थे।
और रामलला का प्रकट होने की कहानी वहां से शुरू हुई। वहां पर रामलला प्रकट हुए और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। वहां पर कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश था और उन्होंने उस जहां रामलला विराजमान थे वहां पर अंदर जाने का प्रयास किया फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के नाम पर। ये घटना बड़ी पुरानी है लेकिन मेरी याददाश्त में है क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन मैंने देखा है। मैं वहीं पर शाखा लगाता था और इसके बाद जब ढांचा गिरा उस समय में भी मैं अयोध्या में उसी स्थान के नीचे था जहां पर सभा हो रही थी और वो एक कमरा था जिसकी छत के ऊपर सारे लोग भाषण दे रहे थे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सुरेश कुमार जी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिरा था उस वक्त ये बाल अवस्था में वहां पे मौजूद थे। नहीं, मैं लखनऊ आ गया था। लखनऊ आ गया और उस समय मैं नगर महामंत्री थे। यानी वो जो नजारा है या वो जो मैंने देखा आपने, यानी वो फील किया? हाँ, फील किया मैंने, देखा। मैं भाषण हो रहे थे, मेरे देखते देखते जनता जो थी वहां पर कार सेवक इकट्ठा थे वो खड़े हो गए। सूर्य जी, ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में जातिवाद को कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात मैं करूं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो तो जातिवाद के बड़े खिलाफ थे और चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे जबरदस्ती कहा गया। उसी समय राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य जेबी कृपलानी, इन सब लोगों से कहा गया कि जो स्टाल वार्ड है वो चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़े। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कहा गया कि आज जौनपुर से चुनाव लड़िए। चुनाव वो लड़ने के वास्ते वहां गए और कार्यकर्ताओं ने कहा कि चूंकि वो ब्राह्मण थे और वहां ठाकुर ब्राह्मण का मामला चलता था तो ब्राह्मणों की सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया। दीनदयाल जी ने कहा कि मैं वहां जा करके, दीनदयाल तो चुनाव जीत जाएगा लेकिन भारतीय जनसंघ हमेशा हमेशा के लिए हार जाएगा। उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि मैं जनेऊ दिखा करके चुनाव लड़ू। लेकिन आज के समय में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति जातिवाद पर आधारित हो रही है जिसके हम विरोधी हैं, लेकिन वास्तविकता ये जो आप कह रहे हैं कि जातिवाद का सहारा लेकर के लोग राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक चीज और अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो गया सुरेश जी कि अब की जो राजनीति हो गई है, जो करंट की जो राजनीति है, मौजूदा जो राजनीति है, वो अब पैसे वालों की हो गई है? देखिए, मैं इसको भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। पैसा राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया है। जबकि हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि पैसे का अभाव और पैसे का प्रभाव, क्या बात, ये दोनों घातक हैं। बहुत अभाव में आदमी जिंदा नहीं रह सकता है और प्रभाव में आदमी पागल हो जाता है। क्या बात है सुरेश जी, क्योंकि आपने दोनों जमाने देखे हैं और दोनों जमानों को आपने बहुत करीबी से देखा है, ऐसे में युवा वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है? क्योंकि युवा वर्ग कहीं ना कहीं आज का जो वक्त है वो युवाओं पे फोकस करने का वक्त है, तो ऐसे टाइम पे राजनीति जब होती है तो युवाओं के ऊपर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, वो उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, एजुकेशन पे पूरा कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अब आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी का नेतृत्व है, ऐसे में फिर भी युवा कहीं ना कहीं बेरोजगारी की हालत में है, एजुकेशन के लिए परेशान है, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? फिर मैं आपकी बात के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जब हम जनसंघ में काम करते थे उस समय हमारा स्लोगन था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। क्या बात। मैं उस समय का कार्यकर्ता हूं। हर हाथ को काम देना, हर किसान के खेत में पानी जाए, उत्पादन बढ़े, इसके हम मानने वाले हैं और हम प्रयास करते रहे कि बराबर नौजवानों को काम मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करूं
तो जनसंघ चौधरी चरण सिंह के जमाने में, बिल्कुल, और यह उसके बाद जब 96 में हम लोग विधानसभा गए, उस समय से लेके अब तक, अब सरकार हमारी बनी हुई है, हम लोग सत्ता में बहुत कम दिन रहे, बिल्कुल, और हमारी जो कल्पना थी वो बहुत, उस कल्पना को हम पूरा नहीं कर पाए। आज जब 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी ने इस बात का वादा किया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और रोजगार ही नहीं देंगे, हम उनको रोजगार क्रिएट करने के अवसर प्रदान करेंगे, मेक इन इंडिया कौशल विकास योजना वही आधार है, बिल्कुल, और उस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। चलिए मैं योजना की बात करता हूँ, तो एक योजना और भी है, बेटियां बचाओ योजना, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की बेटी कहीं सुरक्षित है, क्या उसमें बचाव हो रहा है उसका? आप ठीक कह रहे हैं, मैंने अभी मैं बता रहा हूँ कि 1991 में जब माननीय अटल जी यहाँ से चुनाव लड़े सांसद का, तो उन्होंने मेरे इसी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज मैंने बनवाया, और अटल जी ने उसका शिलान्यास भी किया और लोकार्पण किया। अटल जी ने अपने भाषण, वो महिला डिग्री कॉलेज, अटल जी ने अपने भाषण में कहा कि एक बेटी को पढ़ाना 7 पुस्तकों को ठीक करने के बराबर है। क्या बात, ये अटल जी का की सोच थी। आज जो सोच आगे बढ़ाई जा रही है, मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले ये सोच अटल जी की थी, और उन्होंने अपने तरीके से काम करना किया। लखनऊ के अंदर 97-98 में यहाँ पर 3 कन्या महाविद्यालय बने, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, मेरे विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, ठीक है, और एक राजा पासी किला है, वहां पर डिग्री कॉलेज बने, और उनकी ही प्रेरणा से, हालांकि डिग्री कॉलेज बन जाने के बाद केवल उसमें बीए की कक्षाएं थी, हम सत्ता में नहीं रहे उस समय, लेकिन हमने वहां बीएससी खुलवाया, बीकॉम खुलवाया, 4 सब्जेक्ट में एमए खुलवाया, अब हम सत्ता में आए हैं, हम वहां पर एमएससी की कक्षाएं भी खुलवाने जा रहे हैं। हमारा लगाव चिकित्सा और शिक्षा से बहुत ज्यादा है, ये दोनों ऐसे मूल तत्व हैं जो जिनके माध्यम से देश का, समाज का कल्याण हो सकता है, विकास हो सकता है, और हम इसके पक्षधर हैं। मोदी जी ने जो नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के बारे में उन्होंने इसलिए कहना पड़ा कि ज्यादातर गरीब नहीं पढ़ा लिखा आदमी भ्रूण हत्या करवाता था, बिल्कुल सही बात, पढ़ा लिखा आदमी, मैं इसको बार बार कह रहा हूं, गरीब आदमी नहीं पढ़ा लिखा आदमी कराता था, और ये इस हद तक हो गया कि कन्याओं के प्रतिशत बहुत कम हो गई लड़कों से, बिल्कुल, इतना भ्रूण हत्या होने लगा, और इसलिए इस बात पर, वरना तो लड़कियां मिलेंगी नहीं, और जो लड़कियां अगर नहीं होती, मां नहीं बनती, तो हम लोग कहां से होते, बिल्कुल, बिल्कुल। दुर्गा, सावित्री, सीता, कौशल्या, जितने सब सब मां तो हैं। सुरेश जी, मैं दर्शकों के सामने एक बात और रखना चाहूंगा, जहां हम बात कर रहे हैं युगों की, अटल जी का युग था लेकिन आज मोदी जी का युग है, ऐसा नहीं लगता आपको कि मोदी जी के आने से अडवाणी जी का युग, मुरली मनोहर जोशी जी का युग, कल्याण जी का युग, वो दौर थोड़ा सा पीछे हो चला है और अब सरकार मोदी सरकार में तब्दील हो गई है? देखिए, सफलता जो है उसको श्रेय मिलता है, बिल्कुल एग्री, जो जीता वही सिकंदर, क्या बात है, मान गया। और मुझसे कल्याण सिंह जी ने एक बार कहा था, कि सुरेश जी, जीत की शान निराली होती है, बिल्कुल, भले ही टॉस से जो है वो कोई आदमी चुनाव जीत जाए, क्या बात, मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे सभासद नानक चंद जी है इसी लखनऊ के अंदर, वो टॉस से चुनाव जीते थे सभासद का। 4 बार आप विधायक रहे, अभी भी विधायक हैं, अभी तक मंत्री मंडल में जगह ना मिलना, कहीं एक दिल में एक टीस नहीं होती कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता था अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती तो? मेरे मन में टीस होने का कोई सवाल नहीं है, पार्टी को मेरा उपयोग, हाँ,
अगर सार्थक लगता है तो ये निर्णय करने का अधिकार पार्टी को है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में था और एक कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम करता हूँ, ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में दरी पर बैठ करके, और मैं मीटिंग करता हूँ। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कोई कमी होगी। हर चीज के मानक होते हैं, बिल्कुल, वो मानक, उस मानक पर मैं खरा नहीं उतरा, नहीं उतरे। ये कोई फैक्टर हो सकता है, मुझे नेतृत्व के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। जीएसटी की बात करें, कांग्रेस विपक्षी दल हमेशा या समाजवादी पार्टी गब्बर सिंह टैक्स के नाम से फेमस है, एंड मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया, तो ऐसे में व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान भी रहा। तो आपको क्या लगता है, ये जीएसटी लागू करने से क्या व्यापारियों को, आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, इसका जवाब जनता ने दे दिया। ओके। अभी के जो चुनाव हुए और 2017 के चुनाव हुए, बिल्कुल विपक्ष ने चुनौती दी थी कि हम नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये मेरी चुनौती है, और इन दोनों चुनौतियों पर वो लोग हारे और भारतीय जनता पार्टी जीती। जीएसटी का सवाल है, जीएसटी को पास कराने में तो सबने समर्थन किया, चाहे उनकी मजबूरी हो, बिल्कुल। और अब जीएसटी से शुरू में आक्रोश था व्यापारियों में, लेकिन अब जीएसटी कम होता चला जा रहा है। जहां 28% था वहां पर आज 5% हो रहा है, 12% हो रहा है। ये जो जनता के अंदर आक्रोश था, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आम आदमी जीएसटी से बिल्कुल परेशान नहीं है। जीएसटी से वो लोग परेशान है जो नंबर दो का व्यापार करते थे। चलिए, एक फैसला और है 3 तलाक का, जिसको ऐतिहासिक फैसला करार दिया गया, मगर अभी भी वो पूरी तरीके से पारित नहीं हो पाया। तो ऐसे में मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, तो 3 तलाक के मसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वकील हूं, बिल्कुल, तभी मैंने ये सवाल आपसे, और मैंने मुस्लिम लॉ भी पढ़ा है, बिल्कुल, हिंदू लॉ भी पढ़ा है, और इंडियन डाइवोर्स एक्ट भी पढ़ा है। क्या बात है, अच्छा पढ़ा है मैंने, 40 साल वकालत के मतलब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लखनऊ में मैट्रिमोनियल केसेस सबसे ज्यादा मेरे पास थे। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि विश्व के 18 देशों में जो मुस्लिम कंट्री है, इवन पाकिस्तान, वहां पर भी 3 बार तलाक कह करके कोई तलाक नहीं दे सकता है। ओके, वाई इन हिंदुस्तान के 3 बार आप कह करके तलाक दे दे किसी को, ये क्रूरता क्यों? अरब कंट्रीज है, वहां पर ये कोई नहीं कर सकता है। वो तो अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, बिल्कुल। हमारा देश तो, हम तो नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र है, बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि यहाँ पर सार्वभौमिकता है, बिल्कुल, सब जात पंथ के लोगों को पूरी पूरी अपनी बात कहने की आजादी है, चाहे वो जेएनयू का मामला हो, चाहे 18 विश्वविद्यालय आज देश के अंदर है, जहां पर वामपंथी विचारधारा के लोग तरह तरह की बातें उठा करके और मोदी सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि दिल्ली के जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रोफेसर लोग पाकिस्तान गए थे और बाद में ये खुलासा हुआ कि उनके संबंध आतंकवादियों से थे, बिल्कुल। आज देश खतरे में है ऐसे वामपंथी विचारधारा के लोगों को, जिन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा था, ये वही लोग हैं जो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट लोग। चलिए, एक खतरे की और बात करते हैं, पाकिस्तान जो बार बार सीज फायर कर रहा है और ऐसे में भारत के ऊपर एक संकट भी गरमाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उस मुद्दे पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि मोदी सरकार पाकिस्तान को कब। मैं जरूर डालूंगा, इसलिए कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, बिल्कुल, मैं किसी धर्म संप्रदाय के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो लोग भारत माता का अपमान करते हैं, जो लोग तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, जो लोग राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, मैं जब से होश में आया हूं मैं हमेशा उनका विरोध करता आया हूं, और ये तीनों चीजें आतंकवाद के जननी है, बिल्कुल, ये जनक है देश के विरोध में। भारत, भारत की धरती को उन्हें ये कहने में शर्म आती है कि ये मेरी भारत माता है, और हमको मूल रूप से कहते हैं, हम सवेरे बच्चों को सिखाते हैं कि ये तुम श्लोक पढ़ो, करागरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र बसते देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, हे विष्णु की पत्नी
मैं प्रातः उठकर के तुम्हारे ऊपर पैर रखता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। हम धरती को माँ मानते हैं, हम इसको कंकड़ पत्थर का भूखंड नहीं मानते हैं। और ऐसे लोग जो देश के अंदर, आज मेरा क्षेत्र है जहाँ पर एक आतंकवादी मारा गया, मेरा क्षेत्र है यहाँ पर सिमी का अध्यक्ष पकड़ा गया, ये पुराना लखनऊ है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ पर अनेक स्लीपिंग मॉड्यूल्स घर घर बैठे हुए हैं, जब अपने उनके आका उनको इशारा करते हैं तो वो विस्फोट करते हैं। ये आतंकवाद, आतंकवादियों से लखनऊ और विशेषकर मेरी विधानसभा क्षेत्र जहाँ 50% लोग ऐसे हैं जो जिनको हम अच्छे नहीं लगते, हम उनको वो बर्दाश्त, जब मैं गाड़ी से निकलता हूं तो मेरे झंडे को देख करके उनको बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कैसे घूमता हूं, ऐसे लोग हैं। लेकिन उनके बीच में रहता हूं, चुनाव लड़ता हूं, चुनाव जीतता हूं, इसलिए कि यहां पर अगर वो लोग भी हैं, हमारे प्रतिद्वंदी विचार के लोग भी हैं, तो यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रवादी हैं। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, सांसद हैं, साफ साफ पहले कहा, पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी ओर से, यानी भारत देश अपनी ओर से एक भी गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से गोलियां चली तो इधर से चलने वाली गोलियों को गिना नहीं जाएगा। आज कल लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह थे, उन्होंने यहां पर कहा कि हम घुस करके पाकिस्तान को मारेंगे और करके भी दिखाया है। सेना को पूरी छूट दे दी गई है कि जैसी परिस्थिति हो वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए तुम काम करो, ये पहली बार हुआ है। बिल्कुल सुरेश जी, 26 जनवरी आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे आवाम से, हमारी जनता से 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे, इस गणतंत्र दिवस के ऊपर आप अपनी तरफ से सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी विधायक लखनऊ पश्चिम से अपनी तरफ से 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे एक मैसेज आपकी तरफ से। भाई और बहनों, आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को हाथ में लेकर रावी नदी के किनारे हमारे नेताओं ने कसम खाई थी गणतंत्र के लिए। और आपको ये भी यही जानकारी होगी कि जब कोई देश आजाद होता है तो उनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, उनका एक अपना राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, निशान। दूसरा, देश का प्रधान। तीसरा, संविधान। ये चीजें आवश्यक हैं। और इसके लिए पहले झंडा कमेटी बनी और झंडा कमेटी में तय हुआ कि भगवा ध्वज इस देश का राष्ट्रीय निशान होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी संस्कृति अलग थी, वो विदेशों में पले थे। बिल्कुल, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने तिरंगा झंडा स्वीकार किया जो कांग्रेस का, जिस कांग्रेस को एक विदेशी ने जन्म दिया था, उस तिरंगे झंडे को उन्होंने इस देश का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। संविधान स्वीकार करने की जब बात आई तो उसके लिए कमेटी बनी और उस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए। लेकिन वो संविधान निर्माता नहीं कहलाए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाए, जो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान बना 1950 में, स्वीकार हुआ और उस संविधान में हमने स्वीकार किया, गणतंत्र को स्वीकार किया। गण और तंत्र, गण माने लोग और तंत्र माने व्यवस्था चलाने की पद्धति, और उसको हमने स्वीकार किया। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र स्वीकार किया था। यद्यपि 49 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी को ये उनको सौंप दिया था, लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए, और ये 1950 में हुआ। गणतंत्र हर साल हम मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि हम उस देश के शहीदों को, उन महापुरुषों को याद करें जिसके कारण हमें देश की आजादी मिली। और मैं आपको एक चीज, मेरे मन में बड़ी कड़वाहट है कि हम इस देश के राष्ट्रगान के रूप में वंदे मातरम को नहीं स्वीकार कर पाए। और उसका कारण भी हम बताते हैं
कि 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन बंगाल में हुआ था और उस समय इंग्लैंड के राजा और रानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस अधिवेशन में बुलाया था और उनके स्वागत में स्वागत गान रविन्द्रनाथ टैगोर से लिखवाया था और वो स्वागत गान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसके शब्द बताते हैं कि किसी की चापलूसी के लिए लिखवाया गया। और जब यहां पर बात आई कि राष्ट्रीय गान कौन बने, तो जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, तिलक जी वगैरह थे और लोग थे, पुष्पचंद्र दास टंडन थे, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को इस देश का राष्ट्रगान बनाना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम को गाते गाते देश के दीवाने फांसी के पद्दे पर झूल गए, ये प्रेरणादायक, इसको राष्ट्रगान बनाना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर भी नहीं माने और अंत में राजेंद्र प्रसाद जी ने सोचा कि कांग्रेस टूट जाएगी, अभी अभी आजादी मिली है, तो उन्होंने रास्ता निकाला, आप यहां से जाकर के और संविधान की पुस्तक देखिएगा, उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है, एक लाइन खींची हुई है, एक तरफ लिखा हुआ है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया और वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार किया गया और नीचे ब्रैकेट में लिखा गया कि राष्ट्र गीत को राष्ट्रगान के समक्ष दर्जा दिया गया। लेकिन हम इसको राष्ट्रगान नहीं बना पाए, ये मेरे मन में ठीक है, जबकि प्रेरणादायक है वंदे मातरम। क्या ये थे हमारे सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी ही भावुकता से, बड़ी ही सरलता से उन्होंने जवाब दिया और साथ में उन्होंने उस तजुर्बे को, उस कहानी को हमारे सामने रखा जिस कहानी और तजुर्बे से हम अनजान थे। आज मैं अपने दर्शकों को ये खास बात और बताना चाहूँगा कि सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी जो कि एक जमीनी नेता हैं, उत्तर प्रदेश के उन जड़ों में से एक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज किया है, लेकिन उनकी सादगी, उनकी अहमियत और उनकी कर्मठता ही उनकी पूंजी है। इसी बात के साथ, इसी मुलाकात के साथ हम विदा लेते हैं और अगली बार फिर हम आपको एक नए खास मेहमान से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।